हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु पवार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान होता है, ये बात आप सब जानते ही हैं। 26 जनवरी से एक दिन पहले शाम को पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। लेकिन पद्म पुरस्कारों के लिए चयन कैसे होता है, जिनका चयन किया जाता है उनको कौन चुनता है, उनकी सिफारिश कौन करता है, उस पर मोहर कैसे लगती है, उनकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक होती है, ये तमाम जो जानकारियां हैं मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो मेरा ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। पद्म विभूषण है सबसे बड़ा, पद्म भूषण उसके बाद, और पद्मश्री तीसरा नंबर का। तो तीन पद्म अवार्ड है। मैंने पद्म अवार्ड्स की जो सरकारी वेबसाइट है वो खुली हुई है, और उसमें तीनों जो कैटेगरी हैं पद्म अवार्ड्स की, उनके बारे में लिखा हुआ है कि पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज। इसका मतलब हुआ कि असाधारण और जो उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। पद्म भूषण के बारे में लिखा है, फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज ऑफ अ हाई ऑर्डर, मतलब उत्कृष्ट सेवाएं में भी जो आला दर्जे की उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले को पद्म भूषण मिलेगा, और जो पद्मश्री है डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया जाएगा। हर साल प्रधानमंत्री एक पद्म अवार्ड कमेटी को बनाते हैं, गठन करते हैं उसका, और सारे नॉमिनेशंस जो होते हैं वो पद्म अवार्ड कमेटी रिसीव करती है, वो लेती है, वो हासिल करती है। केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी उसके चेयरमैन होते हैं, उसके बॉस होते हैं। उसमें शामिल होते हैं होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव और राष्ट्रपति के सचिव, ये भी उसमें होते हैं। और 4 से 6 कुछ शख्सियतें होती हैं जो इसमें मेंबर होते हैं। ये जो कमेटी होती है पद्म अवार्ड कमेटी, ये अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री को देती है। तो पीएमओ का बहुत बड़ा रोल है पद्म अवार्ड देने। अब आप ये जानना जरूर चाह रहे होंगे कि नाम तय कौन करता है, ये सिफारिशें कैसे आती हैं, ये लोगों को नामित कौन करता है, कैसे किया जाता है। तो जो पद्म अवार्ड्स की जो सरकारी वेबसाइट है उसमें साफ साफ लिखा है, सिलेक्शन क्राइटेरिया एक हिस्सा है उसका, एक पार्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है राज्यों से मंगाए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से नाम मंगाए जाते हैं, जो मंत्रालय हैं भारत सरकार के जो विभाग हैं डिपार्टमेंट्स हैं उनसे नाम मंगाए जाते हैं। इसके अलावा जो जो सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर होते हैं, मतलब जो केंद्र सरकार के मंत्री हुए, जो राज्य सरकारों के मंत्री हुए, जो मुख्यमंत्री हुए, राज्यपाल होते हैं स्टेट्स के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद होते हैं, ये सारे जो है रिकमेंडेशन भेजते हैं अपनी, ये किसी को रिकमेंड करते हैं, किसी को नामित करते हैं, और ये जो नामित करते हैं वो पद्म अवार्ड कमेटी के पास सारे नाम जाते हैं। कुछ साल पहले से सरकार ने आम लोगों के लिए भी ऑप्शन रखा है कि वो ऑनलाइन किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन सारे नॉमिनेशन जो होते हैं पद्म अवार्ड कमेटी के पास जाते हैं, जो कि पीएमओ जिसको डील करता है, जिसको देखता है। तो ये सारे नाम मतलब इनमें सरकारों का बहुत बड़ा दखल है पद्म अवार्ड देने में। सांसद हैं उनका दखल है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, इन लोगों का एक बहुत बड़ा दखल है। तो ये नॉमिनेशंस की प्रक्रिया है, ये ऐसे तय होता है। पद्म अवार्ड की जो सरकारी वेबसाइट है उसके जो क्राइटेरिया, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि अवार्ड्स आर सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू इंश्योरिंग दैट देयर करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स आर अबव बोर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी एजेंसियां, सरकारी जो जांच एजेंसियां हैं उनके हाथ में बहुत कुछ है। वो ये जांच करेंगी कि जिस आदमी का नाम आया है पद्म अवार्ड के लिए उसका चरित्र कैसा रहा है, और उसका पूरा जीवन कैसा रहा है, उसका पूरा जीवन को खंगालेंगे वो एजेंसियां। सरकार के हाथ में है, सिस्टम के हाथ में है कि पद्म अवार्ड किसको दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना है।